हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी डायग्नोस्टिक्स वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है कि क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स, गुड फॉर्चून आपके लिए वेट कर रही है। ठीक है, सो ऑफकोर्स इट विल बी अ ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग रीडिंग। तो प्लीज लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो यहाँ पे जो रीडिंग होगा ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड लेट्स सी कि आपके लिए कौन सी गुड फॉर्चून, मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स आपके लिए इंतजार कर रही है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में कौन सा ब्लेसिंग्स, कौन सा आशीर्वाद, गुड फॉर्चून वेट कर रही है। आर्कएंजल हैनियल प्लीज हेल्प मी। थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू आर्कएंजल हैनियल, प्लीज हेल्प मी। थैंक यू आर्कएंजल हैनियल, प्लीज हेल्प मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ चुका है, एट ऑफ वैंड्स। बहुत बढ़िया। यहाँ पे है सिक्स ऑफ कप्स। वाव, नाइस। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। We do have the Ace of Wands. Wow. Sorry. Ace of Swords. Wow. बहुत बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पे देखो basically जो मुझे आपसे कहना है, यहाँ पे Aries, Leo, Sagittarius, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे important है। Six of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio यहाँ पे important है। यहाँ पे Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Aquarius, Gemini, Libra, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है important। ठीक है, अगर कोई साइन नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम और भी कार्ड्स को शफल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही जल्द, ठीक है, आपके पास कोई शुभ समाचार आ सकती है। 8, 6 and 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आप 8888 देखो या 6666 देखो। जून एंड ऑगस्ट मंथ कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन 8 days या 8 hours या 8 months के अंदर आपके पास ऐसा शुभ समाचार आएंगे जिससे आप, पहले बात तो है बहुत ज़्यादा वो आपके लिए शॉकिंग रहेगा क्योंकि शायद आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाओगे। बहुत ही फास्ट, मैं, मुझे नहीं लगता है 8 months, पर मुझे लगता है उससे भी फास्ट। ठीक है, हो सकता है इट इज़ रिलेटेड टू योर मैरिज रिलेशनशिप, हो सकता है, या हो सकता है इट्स रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ बिजनेस प्रपोजल जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, या कुछ न्यू स्टार्टअप के लिए आप वेट कर रहे थे, या कहीं ना कहीं पे आप इंतज़ार कर रहे थे वो वाला एप्लीकेशन के लिए जो शायद उसका क्लोजिंग डेट हो चुका था, वो जो जहाँ पे भी वैकेंसी निकलने वाला था शायद वो कंपनी, ठीक है, फिर से एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दे रहे थे, तो आप तुरंत एप्लीकेशन डाल रहे हो और तुरंत वहाँ पे आपका इंटरव्यू फिक्स हो रहा है और आपका सिलेक्शन भी हो रहा है। हो सकता है बाय फ्लाइट, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बाय फ्लाइट आपका ट्रैवल हो सकता है। ठीक है, आप बहुत तेज़ी से भागने के कारण मुझे लग रहा है आपके बिहेवियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएगा। हो सकता है कि अभी जो है, अभी का जो सिचुएशन है, आपको बहुत ज़्यादा आलस लगता है कुछ काम करने के लिए। आपको लगता है अरे मैं करूँ, मुझे, मेरा शरीर बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, या मुझे फीवरिश कंडीशन है, ठीक है, मुझे, मैं थोड़ा बीमार हूँ, मुझे मन नहीं कर रहा है। सो देयर इज़ अ लेथर्जिक फीलिंग। लेकिन कुछ ही समय के अंदर मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा तेज़ भागने वाले हो और आप शायद पहले कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पाते थे, ठीक है, सहन नहीं कर पाते थे। मे बी यूर अ सिंगल चाइल्ड, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लाडले हो, लाडली हो अपने घर परिवार में, और आपके अंदर वो फियर, मतलब वो जो है ना कि
जैसे होता है ना, हम घर में एक अलग माहौल में पले बड़े होते हैं और फिर हम जब ऑफिस ज्वाइन करते हैं या कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, तब हमें दूसरा माहौल देखने के लिए मिलता है। क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे लोग, ठीक है, डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के लोग आते हैं और उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा सीखना पड़ता है। ठीक है, बहुत कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, इवन कॉलेज लेवल पे भी हमने फेस किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पे शौर्य आपके अंदर जो तेज, यू विल बी मच मोर फियरलेस, मुझे दिख रहा है। आप शायद थोड़ी चीज में डर जाते हो, या आपको फियर होता है, या आपको फोबिया है, ठीक है, या आपको रात में नींद नहीं आती है, थोड़ा सा घबरा जाते हो, टेंशन ले लेते हो, अरे क्या होगा क्या होगा, अरे मैं कर पाऊंगा मैं कर पाऊंगी क्या होगा, घबराहट हो जाती है। ठीक है, तो वो सारे जो चीज है उस फियर फैक्टर से, वो जो फियर फैक्टर्स है ना, फियर फैक्टर का गेम क्यों अरेंज किया जाता है, ताकि अंदरूनी जो डर है उस चीज को निकलने के लिए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इतना आप ओके फियरलेस एंड विल बी वेरी करेजियस। देखो यहाँ पे जो सर्दी है आप उसको सहन कर रहे हो, ठीक है, स्नोफॉल, मतलब ऐसे हालात के साथ आप लोग एडजस्ट कर रहे हो जो शायद आप लोगों ने पहले नहीं किया। पता नहीं मेरे गले में खराश क्यों है, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम कोल्ड बट स्टिल। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है एक न्यू स्टार्टअप, मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकते हैं आपके, आप जहाँ पे भी काम करते थे, मे भी आपका हो सकता है कि वहाँ से सब लोगों को निकल दिया गया, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे लॉस में चल रहा था कंपनीज, ठीक है, तो वो स्टाफ को या एम्प्लॉयज़ को वो हायर नहीं कर पा रहे थे या वो रख नहीं पा रहे थे अपने कंपनी में। ठीक है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे फिर से एक रीओपनिंग वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। पता नहीं क्यों मुझे जनरलाइज हुआ कि शायद जॉब चेंजेस आपके लिए बहुत तगड़ा खासा आ रहा है। ठीक है, चेंजेस इन करियर आई कैन नोटिस इट हैविली। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हुआ है जिसके बारे में आप सोचते सोचते अभी भी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और अभी भी आप सोच रहे हो ऐसा क्यों हुआ। सिक्स ऑफ कप्स इज एक्चुअली द कार्ड ऑफ सोलमेट, आप अपने सोलमेट की प्रतीक्षा कर रहे हो, यू आर स्टिल सोल सर्चिंग। शायद आपके मन में कन्फ्यूजन है कि कौन है वो एक्चुअल पर्सन जिनके साथ मेरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, आपको क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर, ठीक है, एकदम कट टू कट आपको मिल जाएगा जवाब एंड मुझे लग रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हो सकता है कि आप जिनके साथ भी कनेक्शन में हो शायद उनके साथ बातचीत नहीं हो रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा उलझन में हो, देखो आपने क्या हालत बना के रखा है आपका। ठीक है, सो यू शुड नॉट डू दैट, आप उनके साथ हो सके तो कम्युनिकेट करो और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके तरफ भी कम्युनिकेशन आ रहा है एंड यू विल गेट द आंसर्स प्रॉपरली इन टाइम। हो सकता है कि मे बी पार्टनरशिप बिजनेस में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बीचों बीच में उन्होंने बोल दिया नहीं मुझे नया सेटअप नहीं खोलना है, मुझे रिस्क लग रहा है। शायद आपने जवाब मांगा था कि वो ऐसा तुझे लग रहा है कि नहीं चल सकता, तो उसने कुछ जवाब आपको नहीं दिया था, तो शायद वहाँ से आपके पास कोई जवाब आए। ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई इम्पोर्टेंट मेल आए जिससे आपके पास क्लैरिटी आ जाए कि ठीक है, अच्छा ऐसा हालत है तो इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, मे बी आपने शायद उस कंपनी को भी पूछा होगा कि क्यों इस पोजीशन के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, तो शायद यू विल स्पीक विद द यू कैन से HR या हो सकता है कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो टीम मेंबर्स है आप उनके साथ कम्युनिकेशन में आओ, या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ आप लोग का बात हो रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो चीज़। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरी तरह से 100% यू विल बी क्लियर, यही आपके लिए बहुत बड़ा मिरेकल्स आने वाला है कि कहीं ना कहीं पे आप जो चीज़ को डिस्कवर नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग हो सकता है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स या साइंस फील्ड में हो, या कहीं ना कहीं पे आप एग्जाम्स देते जा रहे थे बट यू हैड सफर्ड फ्रॉम रिजेक्शन, या हो सकता है फेलियर्स हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा था, क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए आप कोई कोचिंग सेंटर से या कहीं ना कहीं पे
ऑनलाइन एजुकेशन से हो सकता है कि आपका क्लैरिटी बढ़ा है, बिकॉज एसोस वर्ड्स स्पीक्स ऑफ, यू कैन से इट एक्चुअली सिंबलाइजेस, यू कैन से विजडम, नॉलेज. ठीक है, कहीं ना कहीं पर मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, सिर्फ नॉलेज नहीं, आपका जो विजडम है वो बढ़ रहा है. आप बोलोगे नॉलेज और विजडम में क्या फ़र्क है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अभी भी मैं देती हूँ. नॉलेज हमें ये बताते हैं कि हमें जो जंक फूड्स है वो खाने नहीं चाहिए. विजडम हमें ये बताते हैं जंक फूड्स हमें इसलिए खाने नहीं चाहिए बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड ओके आइटम्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, जो हमारे जो हार्ट है ठीक है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उससे वजह से हमारे हाई ब्लड प्रेशर हो सकते हैं और हार्ट अटैक भी हो सकते हैं एट अ वेरी यंग एज. सो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ मुझे यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ चीज़ अंधेरे में अभी भी आप हो, अभी भी उस चीज़ से आप बाहर नहीं आए हो, बट वो चीज़ क्लियर आपके पास आ जाएगा. और जब हमारे पास क्लैरिटी हो जाता है वही हमारे लिए एक कुदरत की ब्लेसिंग होती है कि हम आगे बढ़ पाते हैं. आप किसी की इंटेंशन अगर नहीं जानते हो तो आप तो उसी के साथ रिलेशनशिप रखोगे ना, लेकिन जिस दिन आपको उसका इंटेंशन पता चल गया कि उसका इंटेंशन बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन ही करना बेटर समझोगे. इस तरह का कुछ हो सकता है, या मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुआ था वो भी क्लियर होगा. अगर आपने किसी को गलत समझ लिया था, उसने आपको गलत समझ लिया था, तो वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि क्लैरिटी यहाँ पे आ रही है. ठीक है, ऑल राइट. ये पिक्चर किसको सिंबलाइज करते हैं एज बॉलीवुड सेलिब्रिटी, प्लीज बताना. ठीक है, सो जस्ट सी द पिक्चर एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो चलो हम और भी देखते हैं यहाँ से, दूसरा डेक से. सो यूनिवर्स फेट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी. आपको पोलर बियर दिख सकता है ठीक है इन द वॉल पेपर. सो यूनिवर्स फेट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या ब्लेसिंग्स क्या मिरेकल्स आने वाले हैं. थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट, द एम्प्रेस, वाओ, रिलीज द डेथ कार्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन, द टावर, ओके, एंड वी डू हैव, दिस इज द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. एट ऑफ कप्स, अभी मैंने एट ऑफ कप्स की ही बात बताई थी गाइस, राइट, ओके. यहाँ पे है लिब्रा तुला राशि, यहाँ पे है एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि, ओके. एंड आई डू फाइंड यहाँ पे है रिलीज द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि यहाँ पे है, यहाँ पे है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो मेष और वृश्चिक राशि, यहाँ पे है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक और मीन राशि, यहाँ पे है द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स एरीज लियो एंड सजिटेरियस. मुझे लग रहा है आप, पहले बात तो है कि आप अपने आप में विश्वास नहीं रख पाते थे कि मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊंगा, मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊंगी जिंदगी में. ठीक है, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शक था या आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि आपके ज़िंदगी में भी कोई लविंग केयरिंग रोमांटिक पार्टनर आ सकते हैं. तो वो विश्वास मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे रिलीज है, वहाँ पे एट ऑफ कप्स है. कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो बिल्कुल आपके लायक नहीं है, आप बिल्कुल उस रिलेशनशिप में ठीक है फिट नहीं आते हो. क्यों फिट नहीं आते हो? क्योंकि वो इंसान सही नहीं है आपके लिए. उस रिलेशनशिप से आप बिल्कुल मूव ऑन कर जाओगे जो आपके लिए नहीं है, बिकॉज एट द एंड द विल ऑफ फॉर्चून ये किस्मत वाला चेंज वाला कनेक्शन है. कहीं ना कहीं पे ये आपको उस जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे आप डिजर्व करते हो. नाउ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन द प्रोफेशनल फील्ड भी आई डू फाइंड कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग डिसीशंस लोगे
और आप में भी सिंगल हो, सेपरेटेड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स्ड हो सकते हो, ठीक है, जो सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा जजमेंट आपको करना पड़ेगा या आप कर लोगे इन फ्यूचर। विद द जजमेंट आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करोगे एंड डेवलपमेंट्स ऑफ कोर्स आएगा। ये जो एम्प्रेस का कार्ड है, इट्स नॉट ओनली अबाउट अ मदर, बट ऐसा भी हो सकता है कि यस, आपके जो सपने हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। मे बी यू आर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, मे बी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। बहुत ही आइडिया ब्रिलियंट था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और मार्केट में वो चल गया, ठीक है। दूसरा चीज़ है, अगर सब कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो एंड यू आर वेटिंग कि आपके प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि हेल्थ आपकी इम्प्रूवमेंट्स हो रही है। और देखो, एक बच्चा अगर आपको चाहिए तो बेसिकली आपके हेल्थ भी इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो कहीं ना कहीं पे प्रेगनेंसी हो सकती है एंड यू कैन कंसीव, ठीक है, आपके बेबी आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, बार बार पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है एंड है उस चीज़ का, और उस चीज़ को जाने देने से ही आपको शांति और सुकून आएगा। बिकॉज विद द डेथ कार्ड इट ऑफकोर्स इट लीड्स टू अ न्यू बिगिनिंग और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब मुझे लग रहा है पहले जैसे आप थे आप नहीं रहोगे, उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कैरेक्टर में चेंज आ रहा है, ठीक है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, स्ट्रिक्ट थे, कहीं ना कहीं पे आप इमोशनल वे से नहीं सोचते थे, अब लग रहा है मुझे इमोशनल वे से आप सोचोगे। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉफ्ट थे, जस्ट लाइक यू कैन से बर्गर, ओके, क्यूट थे, सॉफ्ट थे, और अब भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना शुरू हो गए, सो देर विल बी अ कॉम्बो, कॉम्बो से होगा सब कुछ। अभी यहाँ पे देखो जो चीज़ है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक ऐसी घटनाएं आपके साथ घट सकती है इन द फ्यूचर जो आपकी दुनिया बिल्कुल हिला दे। लेकिन वो दुनिया तो हिल जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो शांति आपको मिल रही है या जो एक नई दिशा आपको मिल रही है ज़िंदगी को, ठीक है, आगे बढ़ाने का, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। सो आई डू फाइंड अ सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस कमिंग टूअर्ड्स यू, एंड डिले जो हो रहा था ना, आप सब कुछ में शायद आपको, आप कुछ भी करने जाओ ना, डिले बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो सब चीज़ से आपको मुक्ति मिल जाएगा। कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा काम के ऊपर फोकस कर रहे हो। राइट नाउ इट्स अ टाइम टू टेक सम वैकेशन, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, फिर काम करो, फिर रेस्ट लो, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फोकस कर रहे हो काम के ऊपर, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेंटल एग्जॉशन या प्रेशर या फैटिग मतलब बहुत ज़्यादा आप इस तरह से महसूस करोगे कि मैं थक गया, मैं थक गई, मुझे लग रहा है इसलिए हो रहा था, इसलिए मुझे फीलिंग्स आ रहा था, अब थक गए हो, ठीक है। तो थक जाओगे ना अगर डे एंड नाइट आप काम करोगे कुछ चीज़ के पीछे, आप इतना डिटरमाइंड होगे, डोंट पुश इट टू मच, इतना ज़्यादा पुश मत करो, ठीक है, थोड़ा उसको जैसे समय आएगा उसको होने दो, जस्ट मेक इट नेचुरल, गो नेचुरली, ठीक है। जिस तरह से नेचुरल मेकअप जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, आर्टिफिशियल जो मेकअप्स होते हैं, प्रोडक्ट्स जो भी है, रेगुलर यूज़ करने से आपके स्किन को डैमेज कर देती है, लॉन्ग रन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है स्किन के साथ। बट अगर आप नेचुरली ग्लो करोगे, शाइन करोगे अंदर से, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, नेचुरली उसको होने दो, इतना प्रेशर अपने ऊपर मत लो, ना कि प्रेशर लोगों को भी दो, ठीक है, उस तरह से है। दूसरा चीज़ है, विल बिकम मच मोर कॉन्फिडेंट, जो मिरेकल वाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके जो ऑरा है ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसमें आइसिंग ओके ऑन द केक यही आ रहा है कि यू विल बिकम मच मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे विद डिप्लोमेसी, और आपको कोई भी धोखा देने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे और क्लैरिटी आपको मिलेगा कि ये इंसान, क्योंकि विथ योर, क्योंकि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो साइकिक इंसाइट्स होते हैं, ठीक है,
जो एक ऑटोमेटिक पता चलता है कि ये कुछ होने वाला है, वो और डेवलप करेगा बाय द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ऐसा भी समय आएगा कि आप उसको आसानी से हैंडल करोगे विथ स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है, मुस्कुराते हुए आप उसको हैंडल करोगे। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि बहुत बड़े लाइफ चेंजेस डिसीजन लेने वाले हो, शायद आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, शायद आपके पार्टनर अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है। एंड डेफिनेटली यू आर लिविंग, आप अपने घर को छोड़ रहे हो और दूसरे जगह पे आप लोगों का ट्रांसफर हो रहा है, रीलोकेशन हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली आप मिस तो करोगे सारे रिलेशनशिप को, ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपके आगे की जर्नी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है, ठीक है। नाउ लेट मी सी थ्रू द ओरेकल कार्ड्स, ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। बहुत खूबसूरत सी कार्ड्स यहाँ पे है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पॉजिटिव आया है और आपको जो जो मैंने बताया है कि नेगेटिव चीज़ क्या है, उसको कैसे अवॉइड करना है, आप प्लीज़ देख लेना, ठीक है, ओके। सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड, ठीक है, आपके पास ऐसे ही संबंध ज़रूर आएंगे जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर नहीं, वो आपके साथ एक पवित्र रिश्ता में आप बांधने जा रहे हैं उनके साथ, ठीक है, ऑलराइट, गुड। ओह वाओ, सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद इन यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। कहीं ना कहीं पे आपके सोलमेट कौन है शायद कुछ लोग ऑलरेडी जानते हो, मैनिफेस्ट करो, ऑटोमेटिकली वो प्रकट हो जाएंगे आपके पास, ओके। थर्ड कार्ड कम्स एज, देखो यहाँ पे देखो, बहुत सुंदर से यहाँ पे स्टेटमेंट है, ऐसा बोला जा रहा है कि जब हम मर जाते हैं, जब हमारी शरीर, ठीक है, इस तरह से हो जाता है कि हमारा आत्मा छोड़ देती है हमारे शरीर को, उस दौरान हमारे जो आत्माएं हैं उसमें सारे मेमोरीज कलेक्शन होता है, जिस तरह से एक बुक स्टोर में कलेक्शन होता है अच्छे अच्छे बुक्स का, ठीक है, तो उस आत्मा में भी कलेक्शन है सारे मेमोरीज, नॉट ऑफ ओनली दिस लाइफ टाइम बट ऑल्सो प्रीवियस लाइफ टाइम, मतलब पहले जहाँ पे आपका जन्म हुआ था पहले और इस जन्म में भी सारे जो चीज़ है वो कलेक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं पे आप कुछ करो इस पृथ्वी के लिए, तो जब आप या हम लोग इस पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे तब हमें सब लोग याद करेंगे फॉर द बेस्ट वर्क दैट वी हैड डन। एक फिलोसोफर ने ऐसा बताया था, मैं अभी आपको बताती हूँ कि ऐसा काम करो पृथ्वी के लिए कि एक जो झाड़ू देते हैं स्ट्रीट में, ठीक है, उनको भी लोग याद रखेंगे कि जब वो चले जाएंगे इस पृथ्वी से कि कितना अच्छा वो स्ट्रीट को मेंटेन करते थे, क्लीन करते थे, ठीक है। तो हम तो और भी अच्छा काम करके जाएंगे, हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो सब लोग अच्छा काम करके जाओ। सो व्हेन योर सोल पासेस ओके फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ठीक है, वो सारे स्वीट मेमोरीज भी आप लेके जाओगे और सारा प्यार, ढेर सारा प्यार भी आपके लिए लेके जाना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड आई होप यू विल फॉलो द एडवाइसेस प्रॉपरली, डोंट पुश डोंट पुल ऑल्सो, प्रेशराइज किसी को नहीं करना है, धक्का किसी को नहीं मारना है, नेचुरली होने देना है उसको, जब टाइम आएगा नेचुरली वो, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम फूल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, अरे यार कल फूल हो जाएगा, कल फूल हो जाएगा, और हम उसको पंखुड़ी को ना इस तरह से ऐसा ऐसा कर रहे हैं, दूसरा दिन देखना वो मर जाता है फूल, हम डेवलप होने देंगे उसको, ठीक है। हम बच्चा पैदा हुआ तुरंत हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एडल्ट बन जाए, राइट, सो देयर इज़ अ टाइम फॉर दैट थिंग, सो वेट फॉर इट। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है डिले खत्म है आपके लाइफ में, फास्टर चीज आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरो 6 वेट्रो
always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.